अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे गोश्त का अचार। तो इसके लिए लेंगे हम 1.5 किलो मटन है, ये बोनलेस मटन ले लेंगे अचार बनाने के लिए, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब मिला लेने के बाद में अब हम इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे, और अब हम इसको मीडियम हीट पे प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे 10 से 12 सीटी होने तक। तो 10 से 12 सीटी हो जाने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो ये देखिए पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया, सूख गया पानी, ये मटन भी बहुत अच्छे से गल गया। तो चलिए अब हम अचार के लिए मसाला बना के तैयार कर लेंगे, अचार मसाला। इसके लिए लेंगे हम धनिया 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, राई 1 टीस्पून, मेथी के दाने 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून। तो ये सब चीज़ों को अब हम भून लेंगे। तो कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे ये सारे मसाले। 1 मिनट तक मीडियम हीट पे रख के भून लेंगे इसको। भून लेने के बाद में अब हम इसी के अंदर लाल सूखी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से भुने जाने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और उसको पीस कर पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, 500 ml कुकिंग ऑयल है, यानी कि 1/2 लीटर है। 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून ज़ीरा, मुट्ठी भर करी पत्ता ऐड कर लेंगे। पका हुआ मटन ऐड कर लेंगे अब इसके अंदर। बारह से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे मटन को। मटन का जो कलर है वो लाल कलर में आ जाना, अच्छे से फ्राई करना है हमको। लाल सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे मटन के साथ में ही। तो ये देखिए मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद में अब हम इसके अंदर अचार का जो मसाला हमने बना के तैयार किया था, भुने हुए मसालों का जो पाउडर बनाया था, 4 टीस्पून ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 4 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते। फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद में ही हमको अचार मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख के भी ऐड कर सकते कितना ऐड करना है नमक। और अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे अचार को, और ठंडा हो जाने के बाद में नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर। 4 नींबू है मीडियम साइज़ के, तो इसको अब हम निचोड़ कर इसका रस निकाल के रख लेंगे। नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना ऐड करना है आप कर सकते नींबू का रस। गोश्त का अचार जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 2 महीने तक भी आप इसको स्टोर करके रख सकते, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। तो तेल का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा करिए अचार के लिए। तो आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।